हरे कृष्णा। पिछले वीडियो में हमने भगवान के चरण कमल में शरणागत होने का उपाय पर चर्चा किया था। उसका मुख्य अंग था मन को भगवान में लगाना। कुछ भक्तों ने हमें प्रश्न किया है कि मन को भगवान में कैसे लगाएं वो बताइए, क्योंकि मन तो बहुत चंचल है। हम सब जानते हैं कि मन को कंट्रोल करना असंभव है। हम कितने भी प्रयास कर लें, लेकिन हमेशा मन का गुलाम ही रहते हैं। अगर हम अपने मन को कंट्रोल कर पाते तो फिर इस दुनिया में हर तरफ सुख और शांति होता, कोई बुरा काम होता ही नहीं। क्योंकि जो बुरा काम करता है वो हमेशा अपनी करनी पे पछताता है और फिर उसे ना दोहराने के लिए प्रतिज्ञा करता है, लेकिन उसका मन उसको फिर से उसी में ढकेल देता है और ना चाहते हुए भी खराब बन जाता है। जैसे कि एक शराबी हमेशा चाहता है कि शराब की आदत उससे छूट जाए, क्योंकि उसे पता है इससे वो अपने आप को ही मार रहा है, लेकिन वो छोड़ नहीं पाता चाहे कितना भी कोशिश कर ले। कोई भी आदमी खलनायक बन के जीना नहीं चाहता, लेकिन अपने मन के बस में आके वो खराब बन जाता है, ये जानते हुए भी कि उसे पछताना पड़ेगा। तो क्या ये मन को कंट्रोल करना संभव है? इस भाग में जानते हैं इस मन को कंट्रोल करने का उपाय जो हमारे शास्त्र आचार्य गुरुदेव ने बताया है। भगवत गीता में अर्जुन भगवान को कहते हैं कि मन को कंट्रोल करना लगभग असंभव है, और भगवान उसे मानते हैं। भगवत गीता अध्याय नंबर 6 श्लोक संख्या 35 में भगवान कहते हैं, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को बस में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो यहाँ पे भगवान भी भगवत गीता में मानते हैं कि ये मन को जो कंट्रोल करना वो अत्यंत कठिन है। मन की गति बहुत ज्यादा है, जिसे हम कल्पना भी नहीं कर सकते। रोशनी और शब्द से भी ज्यादा वेग मन का है, लेकिन इस मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो हम कभी भी इस परमार्थ रास्ते पे नहीं चल सकते। हमेशा के लिए गोदास बन के इस दुनिया के सुख दुख में ही पड़े रहेंगे। क्योंकि भगवत गीता के उसी अध्याय में श्लोक संख्या 6 में भगवान कहते हैं, जिन्होंने मन पर विजय पा ली है मन उनका मित्र है, किंतु जो ऐसा करने में असफल होते हैं मन उनके शत्रु के समान कार्य करता है। इससे हमें पता चलता है कि मन को कंट्रोल करना कितना जरूरी है। बिना मन को कंट्रोल किए हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हमारे भक्ति जीवन में। तो क्या उपाय है इस मन को बस में करने का? उपाय श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंध 11वां अध्याय 17 नंबर श्लोक में बताया गया है, गुरुर हरि चरणोपासनास्त्रम। ये जो मन को बस में करने का अस्त्र है वो है हरि गुरु चरण उपासना अस्त्रम। हरि गुरु के पादाश्रय होना पड़ेगा, प्रामाणिक शुद्ध गुरु के चरण में आश्रय लेना पड़ेगा, जो कि भगवान श्री हरि के प्रतिनिधि हैं। उससे हम भगवान श्री हरि के शरण में ही जाएंगे, और गुरु जो कहते हैं उसे एज इट इज यथारूप करना पड़ेगा। ये अस्त्र है, तब जाके ये दुष्ट मन नियंत्रण में आएगा। मन को कंट्रोल करने का दो नियम है। जो पहला नियम है वो ये कि दुष्ट मन को बिल्कुल भी नहीं सुनना है। दुष्ट मन बहुत सारे संकेत देता रहता है, लेकिन उसके एक भी बात को नहीं सुनना है। अगर मन की बात को सुनेंगे तो मन को मौका मिल जाएगा और वो और शक्तिशाली हो जाएगा, फिर वो आपका नहीं सुनेगा। मन की बात को बिल्कुल नहीं सुनना है। मन बोलता है, रोज तो मंदिर जाते हैं, क्या मिल गया? आज दोस्त इतना रिक्वेस्ट कर रहा है, उसके साथ एक मूवी देख लेने में कोई हर्ज नहीं होगा, मंदिर तो कल फिर से जाएंगे। लेकिन ये हमारा पहला नियम है, मन की बातों को नहीं सुनना है, नहीं तो वो और शक्तिशाली हो जाएगा और मूवी के बाद सिगरेट और शराब तक हमें ले जाने में उसे ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो पहला नियम मन की बात को सुनना ही नहीं है। फिर दूसरा नियम है हरि गुरु चरण उपासना अस्त्रम। जो गुरु ने कहा है उसे ही करना है, कोई विचार विमर्श नहीं, बस वही करना है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। गुरु जो आज्ञा देते हैं तो हम हमारे प्रॉब्लम्स गिनाने लग जाते हैं कि मैं ये क्यों नहीं कर सकता, प्रॉब्लम नंबर 1, नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4। कोई विचार विमर्श नहीं, जो गुरु ने आज्ञा दिया है उसे करना ही है। प्रॉब्लम्स तो हमेशा रहेगा, ये भौतिक जगत ही दुखालय है, लेकिन हमें सब बाधा के बीच में भी गुरु की आज्ञा का पालन करना है। और वो जिसका दृढ़ निश्चय है कि नहीं, मुझे अपनी मन की बात नहीं सुनना, मुझे गुरु की सुनना है, सिर्फ वही ये कर सकता है। जब हम पूरी तरह से गुरु के चरण में आश्रय ले लेते हैं इस तरह से, तब ये मन का चंचलता चला जाता है और मन स्थिर हो जाता है गुरु और भगवान में।
यही एक ही उपाय है मन को बस में करने का, और कोई दूसरा उपाय नहीं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके मन को कंट्रोल में करके उसे विषय वासना से निकाल के भगवान के चरण में लगाएं, तो आपको भी ये दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, जैसा ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज का दृढ़ता था। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो ध्रुव महाराज के लिए संभव था, वो हर किसी के लिए संभव है। बस इतना चाहिए कि वो भी उनके जितना दृढ़ निश्चय वाला बने। अगर आप चंचल रहेंगे तो भगवान को कभी नहीं पा सकते, क्योंकि आप अपने मन को कभी नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, आपको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। यही उपाय है मन को कंट्रोल करने का। कोई कुछ भी कह ले कि ऐसे वैसे करने से मन को बस में कर सकते हैं, लेकिन वो सब अस्थाई हैं। सिर्फ यही उपाय है जो हमारे शास्त्र और आचार्यों ने बताया है। वैसे तो मन का कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा विषय है, जिसे हम भविष्य में विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में जो उसका अंतिम समाधान है वो संक्षिप्त में बताया हमने। अपना सोच हमें जरूर बताइएगा कमेंट में। हरे कृष्णा।